हाँ हो गया क्लास स्टार्ट। यार कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहा था, इस वजह से मेरा वो बोर्ड सही से चल नहीं रहा था। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। चल गया बोर्ड, शुरू करते हैं। आज ह्यूमन फिजियोलॉजी को श्रद्धांजलि दे देते हैं ना, कंप्लीट कर लेते हैं आज ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा का पूरा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। 3 क्वेश्चन तुम्हारे ह्यूमन फिजियोलॉजी के केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आते हैं, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं, आज इसको खत्म कर देते हैं, राइट? तो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन हम देखने वाले हैं आज, ठीक है? उसके पहले मेरे बारे में थोड़ा जान लो, जानते ही होगे मेरे बारे में, ठीक है? नाम तो सुना ही होगा, राइट? आज मेरा थोड़ा पावर पॉइंट स्लो चल सकता है, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें, पता नहीं क्या हुआ है, बट एनीवेज कोई नहीं, ठीक है? टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो भाई, पीडीएफ के लिए ये टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नीट प्लस टेलीग्राम ऐप है, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तुमको सारा पीडीएफ, अभी जब टेस्ट सीरीज़ होंगी तुम्हारी तो उसके डीपीपीज भी इस यहीं पे तुमको मिल जाएगा, तो ये टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लो, ठीक है? सेकेंडली मैं आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, हमारे प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता ही है, अनअकैडमी का एक प्लस प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है फॉर ऑल योर नीट क्वेरीज, ठीक है? तो जैसे आपको यहाँ पे फिजिक्स के नंबर 1 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के नंबर 1 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी के नंबर 1 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो एक पूरा बुके ऑफ टीचर्स जो इंडिया के सारे टॉप फैकल्टीज है आपको एक डोर स्टेप पर मिल जाता है और एक सिंगल सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। सपोज तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो, मुझसे पढ़ सकते हो, किसी और टीचर से पढ़ना चाहते हो, किसी और टीचर से पढ़ सकते हो। फिजिक्स भी इसी तरह से आप सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन ले सकते हैं ऑन इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म, मतलब पूरे कोटा, दिल्ली, साउथ इंडिया, सारे कोचिंग का मज़ा तुमको घर बैठे मिल जाएगा अंडर अ सिंगल स्टॉप, ठीक है? तो ये तुम एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, बाकी और एडुकेटर के कोर्सेज चलते हैं, तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ कोर्सेज चलते हैं जिन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हो। बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब लाइव क्लासेस मिलेंगे तुमको, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा तुमको, फिर पर्सनलाइज लर्निंग का ऑप्शन मिलेगा तुमको, और प्लस तुम अपने हिसाब से अपना टॉपिक चूज कर सकते हो। मेरा भी यहाँ कोर्स चल रहा है, रिविजन कोर्स फॉर बायोलॉजी, और नीट 2021 वाले बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग एक सरप्राइज़ है, एक सरप्राइज कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ मैं, ठीक है? ये चीज़ें मैं आपकी पूरी की पूरी अपने कोर्सेज में करा देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आपको इसी तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं। देखो जैसे फिजिक्स के लिए 72 कोर्सेज हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको लगभग 54 कोर्सेज है, बायो के लिए 94 कोर्सेज है, तो इस तरह से आपको एन नंबर ऑफ कोर्सेज मिलते हैं जिसको आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन से अनलॉक कर सकते हैं। और चाहे किस कोई भी टीचर हो आप, उससे अनअकैडमी पे कोई भी टीचर हो आप, सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेके उन सारे टीचर्स से पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो क्या है भाई, अनअकैडमी का लर्नर्स आप इंस्टॉल करो, प्लस पे आओ, प्लस पे तुमको ये सारे प्लान्स दिख रहे हैं, 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का, 24 महीने का, ठीक है? सबसे अच्छा जो प्लान है ये 12 मंथ का है, ठीक है? और दूसरा जो सबसे अच्छा प्लान है वो 24 मंथ्स का है, ठीक है? 24 मंथ वाला सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि 12 मंथ का जो प्लान है वो 30,000 का है, ठीक है? और 24 मंथ का प्लान जो 35,000 का है, तो सबसे अच्छा स्मार्टली डील करो ना यार, 2 साल वाला प्लान लो जो तुम्हारा 35,000 का पड़ता है, क्योंकि अरे कल को आगे को तुम सब्सक्रिप्शन किसी अपने भाई को दे दो, किसी दोस्त को दे दो, तुम्हारा यहाँ पैसा बच जाएगा, राइट? तो कभी भी लो तो ये 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ही लिया करो, क्योंकि बाकी सारे प्लान्स महंगे हैं, ठीक है? तो आप अपना सब्सक्रिप्शन आगे किसी को दे दीजिएगा या किसी को सेल कर दीजिएगा, तुम्हारा पैसा बच जाएगा, राइट? तो जब भी सब्सक्रिप्शन लिया करो 2 या 1 ईयर का लिया करो। 2 ईयर का जो ये सबसे अच्छा है 2 ईयर वाला, क्योंकि 2 ईयर वाले में सबसे ज़्यादा फायदा है। 2 ईयर वाले में क्या है कि जो अमाउंट ये तुमको 48,000 का था, ये अब ये 35,000 का हो गया, तो तुमको आफ्टर डिस्काउंट ये बहुत सस्ता पड़ने वाला है, ठीक है? ये 35,000 का, 35,000 पे भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इस पे भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप रेफरल कोड आनंद लाइव यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आनंद लाइव रेफरल कोड यूज़ करो, 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप मिल जाता है आपको। ये इस प्लेटफॉर्म पर होता है कि आपको मुझसे मेंटरशिप मिल जाता है। तो अगेन जो 2021 वाले हैं उनके लिए बेस्ट है कि आप 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें, रेफरल कोड आनंद लाइव यूज़ करना और प्लस पे आ जाओ, ठीक है? ये आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को स्ट्रेंथन करेगा, भले तुम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, ये तुम्हारा एड ऑन की तरह काम करने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर पे, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पे, ठीक है? देखो फेयरली सिंपल चैप्टर है, रेक्टाफिकेशन वाला चैप्टर है, उतना ज़्यादा इसमें मैकेनिज्म, सिर्फ 2 मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। मैंने आपको टेबल्स बना के बता दिए हैं कौन सा हार्मोन का मेजरली क्या काम होता है, जिसमें आप कंफ्यूज करते हैं, तो हम एक बार एनसीईआरटी डिसाइफर करेंगे और उसके बाद एक बार इसको सिस्टमैटिकली पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ बेटा क्लास स्टार्ट कर रहे, बेटा क्लास स्टार्ट कर दी, चलो।
ठीक है। तो क्या है, तो भाई दो चीज की बात करते हैं, एक हम कहते हैं तुम्हारा, एक है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा होता है, इसको हम कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। केमिकल कंट्रोल्स मतलब हम बात कर रहे हैं हॉर्मोन्स की, या हम बात कर रहे हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम की। जब भी हम अपने एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, मतलब एंडो और क्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड, राइट। जब भी हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट डक्टलेस ग्लैंड, वी टॉक अबाउट हॉर्मोन्स, तो ठीक है। तो जब भी हम केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हॉर्मोन्स की वजह से होता है, एंड मेरे बॉडी का जितना भी फंक्शनिंग है या जितना भी रेगुलेशन है, इट इज टेक्निकली अ न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब इसका न्यूरल रेगुलेशन भी होता है और इसका हार्मोनल रेगुलेशन भी होता है। तो ये दोनों कंबाइंड प्रोसेस तुम्हारा करता है काम, ठीक है। तो हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या हुआ, एंडोक्राइन मतलब एंडो मतलब डक्टलेस, है ना, एंडोक्राइन मतलब डक्टलेस ग्लैंड हो गया तुम्हारा। तो एंडोक्राइन सिस्टम तुम्हारा जो होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, दे रिलीज हॉर्मोन्स एंड दीज हॉर्मोन्स आर डायरेक्टली लिबरेटेड इन टू द ब्लड स्ट्रीम, ये मेरे ब्लड में डायरेक्टली चला जाता है बिना किसी डक्ट के, है ना। जैसे एक्सोक्राइन, जैसे लिवर मेरा एक्सोक्राइन है वो डक्ट वाला ग्लैंड है, तुम्हारा ये जो है एंडोक्राइन है वो डक्टलेस ग्लैंड है, राइट। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, चल ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है भाई, लैक्स डक्ट एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड हेंस आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड्स, एंड व्हाट दे प्रोड्यूस आर कॉल्ड हॉर्मोन्स। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारा, क्या है, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, इसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा, विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, मतलब दो सेल्स के बीच में मैसेंजर्स की तरह काम करता है और उस सेल का फंक्शन रेगुलेट करता है, मतलब जो भी उसका टारगेट सेल है उस सेल का फंक्शन रेगुलेट करता है, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लो क्वांटिटीज, दी आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लो क्वांटिटीज। हम कभी भी देखोगे, तुम इंजाइम्स की बात करते तो कहते थे 500 ml इंजाइम है, कभी बात करते थे डेली सिक्रीशन 1 liter था, कभी बात करते थे डेली सिक्रीशन 1 to 2 liter था, राइट। हम लोग बात करते थे, यहां पे सिक्रीशन कम हो रहा है, एंड दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, दीज हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है। तो ये तुम्हारा है तो ठीक है। अच्छा, इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसमें जिसमें बहुत कम हॉर्मोन्स की हम बात करते हैं, इसको डिटेल में इलाबोरेट एनसीईआरटी ने नहीं किया है। बट इंसानों की बात हम करें तो इंसानों का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो काफी रेगुलेटेड है। स्टडी ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी, स्टडी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम इज कॉल्ड इंडोक्रिनोलॉजी, एंड फादर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी थे थॉमस एडिसन, लिख लीजिए इसको, ठीक है। फादर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी थे थॉमस एडिसन, पापा थे, है ना, फादर ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी कौन थे, थॉमस ठीक है, याद रखिए, एडिशन नहीं था, एडिशन बल्ब वाला दूसरा था, ये दूसरा वाला है, ठीक है। तो थॉमस एडिशन तुम्हारे फादर ऑफ इंडोक्रिनोलॉजी, और इंडोक्राइन ग्लैंड के लिए अलग एक पढ़ाई होती है जिसको हम इंडोक्रिनोलॉजी कहते हैं, जो मेडिसिन के बाद सुपर स्पेशलाइजेशन में हम लोग पढ़ते हैं, राइट। अब आते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, क्या क्या एंडोक्राइन सिस्टम है भाई, तो ये सारे मेरे एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले है मेरा हाइपोथैलेमस, सॉरी सबसे पहले है मेरा हाइपोथैलेमस, फिर है पिट्यूटरी, उसके बाद पाइनियल ग्लैंड, है ना, जो रूफ ऑफ डाइसेफेलन बनाता था, हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, जो रूफ ऑफ डाइसेफेलन बनाता था दैट वाज पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। फिर मेरा लैरिंग्स के पास है तुम्हारा ये थायराइड और पैराथायराइड, ठीक है। इधर आ गया थाइमस, ठीक है, ये एट्रोपी हो जनरेट करता है, एक पॉइंट के बाद ये मरने लगता है, ठीक है। पैनक्रियाज हो गया, एड्रीनल में तुम्हारा एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला हो गया, ठीक है। ओवरी हो गया और टेस्टिस हो गया, दीज आर द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वैसे
और भी छोटे छोटे एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड है भाई। तो मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड आ गया पिट्यूटरी, पाइनियल, थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियाज एंड पैराथायराइड। पैनक्रियाज का जो है 99% पार्ट जो है एक्सोक्राइन होता है, सिर्फ 1% पार्ट एंडोक्राइन होता है। पैनक्रियाज इज अ हेट्रोक्राइन ग्लैंड, और उसका जो पार्ट एंडोक्राइन वाला पार्ट होता है उसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। वी विल सी दैट इन डिटेल, ठीक है। थाइमस और गोनाड्स में तुम्हारा दोनों आ गया, टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल आर एंडोक्राइन बॉडीज इन आर बॉडी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के बारे में हम पढ़ेंगे, लिवर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लिवर क्या रिलीज करता है एंडोक्राइन? लिवर तो हमने पढ़ा था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो लिवर कौन सा हार्मोन रिलीज करने लगा जो लिवर एंडोक्राइन हो गया? जरा कमेंट करके बताइएगा, लिवर क्या रिलीज करने लगा जो लिवर एंडोक्राइन हो गया, जरा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हॉर्मोन्स, कौन कौन सा लिवर किडनी हार्ट प्रोड्यूस करता है वो हम देखने वाले हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। अच्छा हेलो मोहित, गुड। चलो चलिए, तो ये तुम्हारा पाइनल ग्लैंड। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तुम्हारा, देखो हाइपोथैलेमस तुम्हारा सब कुछ होमियोस्टैटिक कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड को रेगुलेट करता है। तो मास्टर ग्लैंड तुम्हारा पिट्यूटरी है, बट पिट्यूटरी को भी रेगुलेट कौन करता है? पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, ठीक है। जिसके पास दो होता, तो क्या है, तो द हाइपोथैलेमस फॉर्म द बेसल पार्ट ऑफ डायन्सेफेलिन, है ना, पढ़ा था हमने। डायन्सेफेलिन का तीन पार्ट था, कौन कौन सा डायन्सेफेलिन का पार्ट था? एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हमने तीन पार्ट पढ़ा था, एपी थैलेमस, थैलेमस और कौन सा पढ़ा था हमने? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है ये बेसल पार्ट होता है, हाइपोथैलेमस जो है डायन्सेफेलिन का बेसल पार्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन एंड इट कंटेन सीवी सेवरल न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। अभी हम न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स की बात करेंगे, कॉल्ड न्यूक्लियाई। दीज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियाई एंड दीज न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स प्रोड्यूस एस हॉर्मोन। तो किस तरह के हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं भाई हाइपोथैलेमस? हाइपोथैलेमस मेरा रेगुलेटरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या काम होता है ये हार्मोन्स का, रेगुलेटरी हार्मोन्स का? ये रेगुलेटरी हार्मोन जो है ये बेसिकली रेगुलेट करता है फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। क्या करता है, जैसे गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन, वैसे ही गोनाडोट्रॉपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो ये रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करते हैं फॉर पिट्यूटरी ग्लैंड, ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन रेगुलेट होता रहे, ठीक है। तो ये क्या किया, रिलीजिंग एंड इट विल प्रोड्यूस इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, इट विल प्रोड्यूस रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ और टू रेगुलेट द हॉर्मोनल एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इट विल रेगुलेट हार्मोनल एक्शन ऑफ ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चल आगे बढ़ते, तो ये मेरा हाइपोथैलेमस हो गया, ठीक है। नाउ दीज हार्मोन, क्या बोल रहे हैं आप एनसीईआरटी माता, दीज हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, है ना। दीज हार्मोन रेगुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सा हमने बात किया था, एक रिलीजिंग हार्मोन था, एक इनहिबिटिंग हार्मोन था। एक रिलीज करेगा, एक इनहिबिट करेगा। जैसे तुम्हारा मान लो गोनाडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज गोनाडोट्रॉपिन, और सोमैटोस्टैटिन जो है इनहिबिट करेगा ग्रोथ। ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इनिबिट्स ग्रोथ हार्मोन, है ना। तो ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन हो जाएगा तुम्हारा हाइपोथैलेमस का जो रिलीज करता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अच्छे से लेबल कर लो, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन
फ्रॉम हाइपोथैलमस इनिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। ठीक है, तो हाइपोथैलमस दीज हार्मोन्स ऑरिजिनेट कहां से, हाइपोथैलमिक न्यूरॉन जो हमने बोला था न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स पासेस थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग्स। तो इसलिए इनको हम न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स या न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या होता है कि बनता तुम्हारे हाइपोथैलेमस से है, उनके न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स से ये एक्सॉन्स के थ्रू नर्व एंडिंग से निकल जाता है। दीज हार्मोन रीचेज द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। इसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन, है ना, इसको हम क्या कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, एंड इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जो न्यूरल रेगुलेशन से होता है वो मेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेरा डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी मेरा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू होता है। मैं दिखा देता हूँ कैसे होता है। ठीक है, सपोज मान लो कि ये मेरा होता क्या है, देखो अल्टीमेटली ये मेरा एक बोन है, इसको हम कहते हैं सेला टुर्की का रीजन इन माई इथमोइड बोन। इस तरह का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका दो पार्ट है, बंटवारा कर देते हैं अगर हम इसका, तो इसका अगर हम बंटवारा कर रहे हैं तो बंटवारा हम करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे दो रीजन आता है। ठीक है, एक मेरा एंटीरियर रीजन हो गया, एक मेरा पोस्टीरियर रीजन हो गया। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, सपोज मान लो यहाँ पे मेरा हाइपोथैलेमस का न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, यहाँ है ना, ये मान लो मेरा हाइपोथैलेमस का सेल्स है। ठीक है, अब क्या होता है कि दो तरह का पार्ट है, एक रीजन है इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और दूसरा रीजन है इसको हम कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये वाला जो रीजन है ये मेरा हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये रीजन जो है ये मेरा हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंड इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन, और ये होंगे मेरे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ये होंगे मेरे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। तो दिस आर अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी वाले पार्ट में क्या होता है कि इट इज थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेशन, ये मेरा पोर्टल सर्कुलेशन आता है, ये मेरा पोर्टल सर्कुलेशन आता है और ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये रेगुलेट होता है, ये पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू ये रेगुलेट होता है। तो इसको हम कहते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये मेरा हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का दो पार्ट है, एक को हम कहते हैं पार्स डिस्टलिस और दूसरे को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। इसके दो पार्ट्स हैं, इस वाले को हम कहते हैं पार्स डिस्टलिस और दूसरे वाले को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इस वाले को हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो निकलता है इसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। कहाँ पे हो रहा है भाई, तो ये है सेला टुर्की का रीजन ऑफ इथमोइड सॉरी स्पिनोइड बोन, क्या हर बार मैं गड़बड़ करता हूँ, सेला टुर्की का ऑफ स्पिनोइड बोन। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। ठीक है, ये मेरा आ जाता है, ये मेरा आ जाता है। तो ये मेरा एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है विच इज अंडर पोर्टल सर्कुलेशन रेगुलेशन, और ये मेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है विच इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन। एंटीरियर पिट्यूटरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज डिवाइडेड इनटू पार्स नर्वोसा। ठीक है बेटा प्रवीण, हाँ चलिए आगे, अब देखो कौन कौन सा तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, कौन कौन सा तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। ठीक, तो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टुर्की का।
ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्किका एंड इज अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय अ स्टॉक। इस स्टॉक को हम कहते हैं इनफंडिबुलम। ये जो स्टॉक है, यहाँ जो स्टॉक है जिससे अटैच है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम, ठीक है। एंड इज डिवाइडेड इंटू एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो मतलब एंटीरियर, ए से एंटीरियर, एडी से एस्टीरियर, और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस क्या हो गया? ये हो गया मेरा एंटीरियर पिट्यूटरी, और न्यूरो हाइपोफाइसिस हो गया मेरा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफाइसिस का दो पार्ट है, कौन कौन सा भाई? तो मेरा दो पोर्शन है, कौन कौन सा? पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। पार्स डिस्टलिस में मेरा सब कुछ आ जाएगा एक्सेप्ट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एमएसएच छोड़ के सब कुछ पार्स डिस्टलिस में आता है। पार्स मीडिया में तुम्हारा तुम्हारा एमएसएच आता है, ठीक है। तो द पार्स डिस्टलिस रीजन इज कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी एंड प्रोड्यूसेस ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, ACTH, FSH एंड LH, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया जो है ओनली एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। हाउएवर इन ह्यूमन्स द पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टलिस, ठीक है। बोले थे पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टलिस के साथ मर्ज होते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, जो रिलीज करता है दो हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। तो यहां पे सिर्फ दो हार्मोन रिलीज होगा, दैट इज ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन, विच इज एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। देखो एनसीईआरटी माता क्या कहती है, विच इज एक्चुअली सिंथेसाइज बाय द हाइपोथैलेमस। तो अगर क्वेश्चन आए ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज बाय या वेजोप्रेसिन इज सिंथेसाइज बाय, और ऑप्शन में हाइपोथैलेमस और एंटी पोस्टीरियर पिट्यूटरी दोनों होगा, तो सिंथेसिस हाइपोथैलेमस से, रिलीज एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। याद रखिएगा, सिंथेसिस हाइपोथैलेमस से, रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। इसको लिख लो, इट इज एक्चुअली सिंथेसाइज बाय, इट इज एक्चुअली सिंथेसाइज बाय, इट इज एक्चुअली सिंथेसाइज बाय हाइपोथैलेमस। अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट इज actually synthesized by hypothalamus and is transported under the direct neural regulation. Exonally it is transported, it is transported exonally by to neurohypophysis, it is transported exonally to neurohypophysis. समझ में आया? हाँ जी। तो ये तुम्हारा काम होता है। चलिए अब एक एक करके, तो ये तुम्हारा देखो यही स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ये तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो बोन है ये पूरा सिनस तुम्हारा स्पिनॉइड बोन है, और ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं सेला टर्की का रीजन, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर वाला जो रीजन है ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन के अंदर में है, और इधर वाला जो रीजन है वो पोर्टल सर्कुलेशन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। इस वाले रीजन को हम हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पार्स डिस्टलिस और पार्स इंटर मीडिया, ठीक है। और यहाँ पे जो तुम्हारा है ये वाला जो है पास नर्वोसा, तो ये पोस्टीरियर है, ये एंटीरियर है, यहाँ पे ये हाइपोफिजियल पोर्टल का सर्कुलेशन से, और ये डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन से है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी माता में ऐसा डायग्राम दिया हुआ है यही सेम, कि ये तुम्हारा पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू है, और ये डायरेक्ट न्यूरल, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर। जहाँ भी पोर्टल सर्कुलेशन है या जहाँ भी हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन है वो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा, जहाँ भी डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन है वो तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आते हैं एक एक हार्मोन की बात करेंगे और उसका क्या क्या साइड इफेक्ट है वो देखते जाते हैं, ठीक है। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो बीमारी एनसीईआरटी में बहुत कम लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी के बाहर के बीमारी हमको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं हम लोग? सोमैटोट्रोपिन, सोमैटोट्रोपिन, ठीक है। चलो देखो, तो यहां ग्रोथ हार्मोन तुम्हारा क्या है? तो ग्रोथ हार्मोन मेरा क्या कर रहा है? ये मेरा लॉन्ग बोन्स का ग्रोथ करेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ाएगा, ठीक है। क्या करेगा? लॉन्ग बोन्स को बढ़ाएगा,
मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, लाइपोलाइसिस बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन, अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन में ज्यादा प्रोड्यूस है, दो कंडीशन है, या तो हाइपोसिक्रीशन होगा या तो हाइपर सिक्रीशन होगा। तो सबसे पहला आता है, अगर मान लो हाइपोसिक्रीशन की बात करते हैं, अगर मान लो इसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, अगर इसका हाइपोसिक्रीशन हो रहा है तो पहला बीमारी जो होता है इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। तो गेम ऑफ थ्रोन्स देखे हो ना, उसमें जो ड्वार्फ रहता है तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। हाइपोसिक्रीशन में क्या होता है, ड्वार्फिज्म, या मिजेट्स या क्लाउन देखते हैं, ठीक है। इनका आईक्यू नॉर्मल होता है, याद रखिएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन की वजह से ड्वार्फिज्म हो रहा है तो इसका आईक्यू नॉर्मल होता है, बस याद रखना, आईक्यू नॉर्मल होता है। अगर हाइपर सिक्रीशन की वजह से हो रहा है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन की वजह से, अगर बचपन में हाइपर सिक्रीशन, बचपन से ही अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जाइजेंटिज्म। खली देखे होगे ना, वो जाइजेंटिज्म है। तो अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो जाइजेंटिज्म, जाइंट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। या अगर हाइपर सिक्रीशन एडल्ट में हो रहा है, अगर हाइपर सिक्रीशन एडल्ट में हो रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्रोमिगैली। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्रोमिगैली। एक्रोमिगैली में क्या होता है कि तुम्हारा जो फेशियल बोन्स है उनका डिसफिगरिंग हो जाता है। क्या होता है, ये मेरा एपिफाइसिस प्लेट होता है जो बन गया एडल्ट पे। अब हम चाहेंगे लंबा होना तो हम नहीं हो पाएंगे, तो मेरा लॉन्ग बोन्स का तो इलोंगेशन हो नहीं पाता, बट क्या होता है, मेरे फेशियल बोन्स का इलोंगेशन होना लगता है, तो तुम्हारा चेहरा डिसफिगर होने लगता है, और कुछ केसेस में डेथ भी हो जाता है क्योंकि प्रेशर पड़ता है तुम्हारा, ठीक है। तो ये भी केसेस आते हैं। तो एक्रोमिगेली में तुम्हारा डिसफिगरिंग ऑफ फेस होता है जो एडल्ट में होता है, जहां पे इलोंगेशन ऑफ फेशियल बोन्स होते हैं आपके, ठीक है। तो ये ग्रोथ हार्मोन का हाइपो और हाइपर सिक्रीशन का कंडीशन हो गया, ठीक है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा ग्रोथ हार्मोन। तो भाई, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिम्युलेट एबनॉर्मल ग्रोथ इन बॉडी लीडिंग टू जाइजेंटिज्म, एंड लो सिक्रीशन लीड्स टू ड्वार्फिज्म, ठीक है। एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट, ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट अगर एक्सेस है तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं एक्रोमिगैली, जिसमें डिसफिगरिंग ऑफ फेस होता है, विच लीड्स टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन एंड प्री मेच्योर डेथ इफ अनचेक, ठीक है। दिस डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोज क्योंकि अर्ली स्टेज में पता नहीं चल पाता जब तक चेंजेस नोटिसेबल नहीं होते, ठीक है। दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस जो होता है इसको हम कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या होता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, दोनों देखो, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तीनों काम प्रोलैक्टिन का है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई एंड ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ये तीनों काम तुम्हारा प्रोलैक्टिन का है। तो प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क ऑल्सो, दोनों काम ये करता है, ठीक है। फिर एक और हार्मोन है जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड पे सिक्रीशन इंड्यूस कराता है। तो कभी कभी अगर हमको हाइपोथायरॉयडिज्म तब भी हो जाता है जब मेरे TSH का लेवल कम होता है, मेरे TSH का लेवल अगर कम है तो भी हाइपोथायरॉयड ग्लैंड का डिफेक्ट आता है। तो TSH मेरा जो है ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड तुम्हारा स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। फिर एक और है ACTH, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ऑब्वियसली कहाँ एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, तो ये रेगुलेट करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स को। तो ACTH मेरा एक्ट करेगा, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम तुम्हारा ACTH करता है, ठीक है। दो हार्मोन और बात करेंगे जिसको हम कहते हैं LH और FSH। हमने इसको पढ़ा है रिप्रोडक्शन सिस्टम में बहुत डिटेल में, जिसको हम गोनाडोट्रॉपिन कहते हैं। LH मेल में लेडिक सेल पे एक्ट करेगा, रिलीज करेगा एंड्रोजन, फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा और रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, और इट कुड लीड टू ओव्यूलेशन, और LH मेरा
कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन करता है, ठीक है, याद रखना एलएच मेरा कॉर्पस ल्यूटियम भी मेंटेन करता है। तो मेल्स में एलएच क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स कॉल एंड्रोजेंस फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। इन फीमेल्स क्या करता है, इन फीमेल्स इन मेल्स एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एंड एंड्रोजेंस रेगुलेट्स स्पर्मेटोजेनेसिस। एफएसएच कहाँ एक्ट करता है, मेल्स में एफएसएच कहाँ एक्ट करता था याद करो, सॉरी मेल्स में एफएसएच कहाँ एक्ट करता था याद करो, मेल्स में एफएसएच एक्ट करता था सर्टोली सेल पे, मेल्स में एफएसएच एक्ट करता था सर्टोली सेल पे और ये रिलीज करता था एंड्रोजन जो एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टिस कराता था जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होता था, ठीक है। फीमेल में एलएच का काम क्या होता था, एलएच का काम फीमेल में क्या होता था, एक तो तुम्हारा हो गया ओव्यूलेशन कराना, दूसरा काम ये करता था इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो, इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम आल्सो। हमने रिप्रोडक्शन में इसको डिटेल में पढ़ाया है, जिनको दिक्कत है ये हॉर्मोन समझने में वो रिप्रोडक्शन वाला वीडियो देख ले, ठीक है। मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम इन अर्ली डेज, इन अर्ली डेज उसके बाद ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रॉपिन मेंटेन करने लगता है, उसके बाद एससीजी तुम्हारा मेंटेन करने लगता है, ठीक है। तो चलो, तो क्या है, इन फीमेल एलएच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ ए और रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल को, हाँ, तो इन फीमेल्स एलएच इंड्यूसेस ओव्यूलेशन ऑफ फुल्ली मेच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, लिखा है ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंड मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। चलिए, आफ्टर ओव्यूलेशन एफएसएच तुम्हारा ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है, सब कुछ लिख ही दिया एनसीईआरटी तो कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का, ठीक। अब यहां पे कंफ्यूजन वाला पार्ट आता है, अब आते हैं एमएसएच, एमएसएच और मेलाटोनिन में बहुत कंफ्यूजन है तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, बहुत वियर्ड लैंग्वेज यूज किया है एमएसएच और मेलानोटासाइड्स का, ठीक है। मेलाटोनिन और एमएसएच का दोनों का बहुत वियर्ड लैंग्वेज यूज किया, मैं समझाता हूं आपको, डिकोड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलो एक सेकेंड बस पानी पी लूं। अभी तो गड़बड़ हो जाता, चले चल, ठीक है। तो क्या है, तो एमएसएच जो मेरा पार्स इंटरमीडिया वाला रीजन था ये एक्ट करता है मेलानोसाइट्स पे, ठीक है, और ये रिलीज करता है मेलानिन कंटेनिंग सेल्स। मेलानोसाइट्स क्या होता है, मेलानिन कंटेनिंग सेल्स है एंड इट रेगुलेट्स द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। देखो एनसीईआरटी कहती है कि एमएसएच जो है रेगुलेशन ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ स्किन करता है, एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, उल्टा है थोड़ा, ठीक है। ये लाइन लिखा हुआ है, कभी हायर क्लास में पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे, बट क्या करोगे, अब एनसीईआरटी माता कहती है तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से देख लो, एनसीईआरटी के हिसाब से कि तुम्हारा जो मेलानोसाइट्स है या मेलानिन कंटेनिंग सेल्स है वो रेगुलेट करता है, तो मेलानोसाइट्स पे ऐड करेगा और ये पिगमेंटेशन ऑफ स्किन को रेगुलेट करेगा बाय रिलीजिंग मेलानिन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अगेन आई एम गिविंग योर डिस्क्लेमर, मेडिकल कॉलेज में जाके बोलना मत सर ने गलत पढ़ा दिया, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आपको एनसीईआरटी वाला ही लॉजिक देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं दो हार्मोन तुम्हारा न्यूरो हाइपोफाइसिस का, कौन कौन सा दो हार्मोन है, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है मेरा एडीएच, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई, तो ऑक्सीटोसिन मेरा क्या करता है, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स पे काम करता है, मतलब यूट्राइन मसल्स पे काम करता है एंड स्टिमुलेट्स इट्स कॉन्ट्रैक्शन, किसका कॉन्ट्रैक्शन, मायोमेट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे चाइल्ड बर्थ होता है, और मिल्क इजेक्शन का भी काम करता है, और मिल्क इजेक्शन का भी काम करता है। तो ऑक्सीटोसिन दो काम कर रहा है, देखो ऑक्सीटोसिन दो काम कर रहा है, पहला है मिल्क लेट डाउन, ठीक है। अगर पूछे मिल्क का प्रोडक्शन तो कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन मिल्क लेट डाउन, मिल्क का रिलीज कराता है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा क्या करता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन तुम्हारा जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोमेट्रियम कराता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ
मायोमेट्रियम, तो इसको हम मेन पार्चुरेशन हार्मोन कह सकते हैं, इसको हम मेन पार्चुरेशन हार्मोन भी कह सकते हैं, इसको हम मेन पार्चुरेशन हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा हार्मोन होता है, इसको हम कहते हैं एडीएच, जिसको हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाउ दिस एडीएच क्या, एंटी डायूरेसिस्टिक हार्मोन, मतलब इट विल प्रिवेंट डायूरेसिस और इट विल प्रिवेंट यूरिन फॉर्मेशन। तो ये क्या करता है, ये रिलीज होता है जब ब्लड वॉल्यूम मेरा कम होता है, हम लोग किडनी सिस्टम में पढ़ा है, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम मेरा कम होता है, और ये क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है बाय एडिशन ऑफ एक्वापोरिन टू, ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है बाय एडिशन ऑफ एक्वापोरिन टू, रीअब्जॉर्प्शन किसका कराता है, बाय एडिशन ऑफ एक्वापोरिन टू, कहां पे, इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, कैसे, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, रीअब्जॉर्प्शन किसका, वाटर का, जिसके वजह से मेरा कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, जिसकी वजह से मेरा कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होता है। तुम लोग जो चाय कॉफी पीते हो, चाय कॉफी या अल्कोहल, ठीक है, तीनों चीज क्या होता है कि तीनों चीज एडीएच को सप्रेस करता है, जिसकी वजह से मेरा डाइल्यूट यूरिन होता है। तो कभी भी अल्कोहल ज्यादा लोग पीते हैं तो देखोगे डिहाइड्रेशन हो जाता है, उनको यूरिन ज्यादा आता है, ठीक है, बिकॉज इट सप्रेसेस द एडीएच, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा एडीएच का प्रोडक्शन कम हो रहा है किसी कारण से, एडीएच का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो इस तरह के कारण को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। अभी हम लोग टाइप 1 टाइप 2 भी पढ़ेंगे डायबिटीज मेलिटस का, ठीक है, इस तरह के हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसुपिडस, क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसुपिडस, इंसुपिडस मतलब कि वाटरी यूरिन होगा, और बोलोगे सर सुसु में तो पानी होता है, बट एक्सेसिव डाइल्यूट यूरिन होता है, और ऐसा आदमी हमेशा इसको प्यास लगा रहेगा, जितना पानी पीता है उतना पानी यूरिन में ही निकल जाता है, मतलब खूब सारा यूरिन होता है, ठीक है, इसमें होता है वाटर लॉस होता है यूरिन से, वाटर लॉस होता है यूरिन से, क्यों भाई, अगर एडीएच का प्रोडक्शन कम है तो डायबिटीज इंसुपिडस होता है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम लोग डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसुपिडस में कंफ्यूज करते हो, ठीक है, तो ये तुम ध्यान रखना है, तो ये तुम्हारा वाटर लॉस होता है, ठीक है। चल तो एक बार देख लो एनसीईआरटी माता के हिसाब से क्या क्या है भाई, पहला मेरा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बता दिए, सिक्रीटेड बाय सोमैटोट्रॉप, तो सोमैटोट्रॉपिन, इनिबिटिंग क्या करेगा, इनिबिट करेगा ग्रोथ हार्मोन, इनिबिटिंग हार्मोन सोमैटोस्टैटिन है ना, ठीक है, तो सोमैटोस्टैटिन स्टैटिन इनिबिट करेगा, सोमैटोट्रॉपिन प्रोड्यूस करेगा, याद रखना सोमैटोट्रॉपिन प्रोड्यूस करेगा, कंफ्यूज मत होना, सोमैटो ट्रॉपिन प्रोड्यूस करेगा और सोमैटोस्टैटिन इनिबिट करेगा, सोमैटोस्टैटिन इनिबिट करेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग तुम्हारा, ये भी इसको भी इनिबिट करता है, ठीक है, एफएसएच फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग एलएच, इन दोनों के लिए इनिबिटिंग हार्मोन नहीं होता, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, यहाँ पे इनिबिटिंग हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है, इन दोनों के केस में इनिबिटिंग हार्मोन नहीं होता, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है। प्रोलैक्टिन लैक्टोट्रॉप, प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन, एसीटीएच कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इनका भी नहीं होता, एसीटीएच का भी, यहाँ भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करता है, और यहाँ पे मेलानोसाइट्स, इसका इनिबिटिंग डोपामीन करता है, ठीक है। व्हाट हार्मोन इज नॉट इन्वॉल्व इन शुगर मेटाबॉलिज्म, बेटा बता रहा है अभी सारा सीक्वेंस में तुमको सब कुछ बताते हैं, ठीक है, शुगर मेटाबॉलिज्म में कौन सा हार्मोन तुम्हारा इन्वॉल्व नहीं है, एफएसएच का कोई काम नहीं होगा, एफएसएच एलएच का शुगर मेटाबॉलिज्म में कोई खास काम नहीं होगा, है ना, चलिए ठीक है, एमएसएच का भी नहीं होगा, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी हमने कंप्लीट कर लिया, ये तुम्हारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमने कंप्लीट कर लिया, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ऑक्सीटोसिन क्या किया, मेमरी ग्लैंड का मिल्क लेट डाउन कराएगा और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या कराएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेरा 3 काम कराता है, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करेगा, ठीक है, ठीक है, और ये तुम्हारा सब कुछ काम करता है, ठीक है, तो कंजर्व्स बॉडी वाटर बाय डिक्रीजिंग यूरिन वॉल्यूम, ठीक है, तो ये तुम्हारा एडीएच का काम हो गया। चलो अगला ग्लैंड आते हैं, इसको हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड, अगला ग्लैंड आते हैं, इसको हम कहते हैं पाइनियल ग्लैंड,
कोई दिक्कत है यहाँ तक पिट्यूटरी ग्लैंड में तो बताओ भाई, कोई दिक्कत है पिट्यूटरी ग्लैंड में तो बताइए। बेटा आयुष क्लास जब तक ख़त्म ना हो, ठीक है, 8 बजे से तो ज़्यादा ही चलेगा, 8 बजे के बाद भी क्लास है ना। क्या हुआ टेक्नो? हाँ बेटा, दोनों होता है, प्रोटीनेशियस भी होता है और लिपिड भी होता है। अभी हम लोग बताएंगे कौन सा हार्मोन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, कौन सा हार्मोन स्टेरॉयडल है, कौन सा हार्मोन प्रोटीनेशियस है ना, अभी हम लोग लास्ट में बात करेंगे उसके, ठीक है। टेंशन मत लो, सबको जो भी एनसीईआरटी के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड होगा वो सब कुछ मैं बहुत डिटेल में आपको कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक, चाहे कितना भी टाइम लगे। आज हम इसको अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी को श्रद्धांजलि देने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बेटा एक्यूमुलेशन करता है, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर जाके देखो, है ना, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन का एक्यूमुलेशन करता है टेस्टिस में, ठीक है, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। बेटा अभी डायबिटोजेनेटिक अभी हम करेंगे ना, अभी डायबिटोजेनेटिक कौन सा होता है वो सब हम करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। क्या होता है? कार्बो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाता है, इसलिए वो डायबिटोजेनेटिक कहते हैं उसको, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहा है ना, लाइपोलाइसिस कर रहा है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, तो जिसकी वजह से वो डायबिटोजेनेटिक हो जाता है। हेलो अनार पठान, चलो मिक्सोडिमा भी पढ़ा रहे बेटा, गर्ल्स डिजीज मिक्सोडिमा सब पढ़ाएंगे, सबर जो नहीं पढ़ाए हैं उस पर बात मत करो, जो पढ़ा रहे हैं उस पर बात करो, कुछ नहीं समझ आया तो बताइए, पढ़ाने का काम मेरा है, जो भी आपके एग्जाम में आने की 1% भी प्रोबेबिलिटी है उस चीज को मैं कवर करूंगा, ठीक है, आपको उसके लिए निश्चिंत रहना है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करो, तब पता चलेगा वैल्यू क्लासेस की इसकी, ठीक है। चलो आगे आगे आते हैं, पाइनियल ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड की हम बात करते हैं, पाइनियल ग्लैंड की हम बात करते हैं। तो पाइनियल ग्लैंड मेरा जो है, पाइनियल ग्लैंड मेरा जो है ये मेरा रूफ ऑफ डाइसेफेलन बनाता है, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द ब्रेन, इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन, इट इज लोकेटेड ऑन द डॉर्सल डॉर्सल साइड ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, चल सॉरी एक सेकेंड यार फंस गया, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, पाइनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, पाइनियल ग्लैंड सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द रिदम ऑफ आवर बॉडी, जो कहते हो ना स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल वाला जो काम होता है ये तुम्हारा पाइनियल ग्लैंड ही करता है, ठीक है, ये तुम्हारा पाइनियल ग्लैंड ही करता है। तो जितना भी तुम्हारा स्लीप वेक, देखो कि 2 दिन तुम अगर मान लो 7 बजे शाम में सो जाते हो, तीसरे दिन तुमको शाम में 7 बजे नींद आने लगता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 2 से 5 के बीच में सोना मत, नहीं तो नीट के एग्जाम में सो गए तो बैंड बज जाएगा, राइट। तो ये तुम्हारा स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल रिदम रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, एंड इन एडिशन टू इट मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अगर मान लो तुम्हारा रूटीन खराब होता है तो तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बिगड़ जाता है, ये चीज है, ठीक है। पिगमेंटेशन में क्या करता है कि ये पिगमेंटेशन को डीपिगमेंटेशन करता है, ये क्या करता है, एक्यूमुलेशन ऑफ मेलानिन एक जगह पे करता है, मतलब फेयर स्किन कराएगा, ठीक है, ये डीपिगमेंटेशन करता है, याद रखना, ये डीपिगमेंटेशन करता है, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ मेलानिन एक जगह करा देगा, ये एक्यूमुलेशन मेलानिन एक जगह कर देगा, ठीक है। तो मेरा जैसे एक मोल बन गया या कुछ ऐसा बन जाता है वैसा चीज हो जाता है यहां पे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ो, क्या स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट किया, मेटाबॉलिज्म रेगुलेट किया, पिगमेंटेशन रेगुलेट किया, और तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है अगर तुम्हारा रूटीन में चेंज होता है, अगर तुम्हारा रूटीन में चेंज होता है तो ये सब लो। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? बाप रे बाप रुद्रा, ऐसे नहीं चलेगा बाबू, ये पूछोगे अभी एग्जाम के 1 महीना पहले तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे काम करते हैं। चलिए अगला आते हैं, थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, क्या है भाई थायरॉयड ग्लैंड? पहला पहला क्या है,
थायराइड ग्लैंड तुम्हारा ऐसे दो जगह देखो, अगर हम ये लैरिंग्स वाला रीजन देखें, इस लैरिंग्स वाले रीजन के वेंट्रल साइड मेरा थायराइड ग्लैंड होगा, जो लैरिंग्स के दोनों साइड से कनेक्टेड होगा बाय अ स्थमस। अगर हम डायग्राम देखें थायराइड ग्लैंड का तो कुछ ऐसा होगा, है ना, ये थायराइड ग्लैंड है और ये रीजन जो है ये मेरा स्थमस होता है जिससे ये जुड़ा रहता है। तो वेंट्रल साइड, वेंट्रल मतलब आगे, ठीक है, वेंट्रल साइड से देखोगे तो तुम्हारा थायराइड ग्लैंड दिखेगा, अगर डॉर्सल साइड से देखोगे तो तुम्हारा पैराथायराइड ग्लैंड दिखेगा, ठीक है, वेंट्रल साइड से तुम्हारा थायराइड ग्लैंड दिखेगा, डॉर्सल साइड से देखोगे तो तुम्हारा पैराथायराइड ग्लैंड दिखेगा, ठीक है। तो अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ टू लोब्स, बहुत अच्छी बात है, विच आर लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, बहुत अच्छी है, दीज लोब्स आर इंटरकनेक्टेड बाय अ थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड स्थमस, बताए दीज लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ थिन फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड स्थमस, ठीक है। थायराइड ग्लैंड्स आर कंपोज ऑफ दो तरह का सेल्स, कौन कौन सा सेल है, फॉलिकल एंड स्ट्रोमल सेल, जो लिक्विड वाला सब्सटेंस होगा स्ट्रोमा होगा और जो सेल वाला सब्सटेंस होगा वो फॉलिकुलर सेल होगा, ठीक है। ईस्ट थायराइड ग्लैंड इज कंपोज ऑफ फॉलिकुलर सेल्स जिसके अंदर कैविटी होता है, तो यहां पे फॉलिकुलर सेल्स होता है और पैराथायराइड ग्लैंड में तुम्हारा पैरा फॉलिकुलर सेल्स होता है, यहां पे फॉलिकुलर सेल्स होता है और पैराथायराइड ग्लैंड में तुम्हारा पैरा फॉलिकुलर सेल्स होता है। नाउ दीज फॉलिकुलर सेल्स सिंथेसाइज दो तरह के हार्मोन जिसको हम कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनिन या इसको हम थायरोक्सिन कहते हैं विच इज 80% एंड ट्राई आयोडो थायरोनिन दैट इज 20%, ठीक है। थायरोक्सिन इज टेट्रा आयोडो थायरोनिन, याद रखना T3 और T4 रिलीज करता है, T3 इज ट्राई आयोडो थायरोनिन और T4 इज टेट्रा आयोडो थायरोनिन या इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं, इसका परसेंटेज 80% होता है, इसका परसेंटेज 20% होता है। थायराइड ग्लैंड के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आयोडीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और थायराइड ग्लैंड मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये मेरे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है, ये मेरे बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट रेगुलेट करता है। अब देखो इसमें बीमारी कौन कौन सा होता है, पहला होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर मान लो थायराइड ग्लैंड कम हो रहा है, हाइपो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे पहले होगा तुम्हारा आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से, जिसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर या घेघा, है ना, सिंपल गोइटर, इस पे क्वेश्चन भी आता है, क्या क्वेश्चन आता है बताते हैं, सिंपल गोइटर इज ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी, इसमें क्या होता है मेरा थायरॉयड ग्लैंड, इसमें क्या होता है मेरा थायरॉयड ग्लैंड बड़ा हो जाता है, ये जो थायरॉयड ग्लैंड है ये बड़ा हो जाएगा और ये पूरा गला फूल जाएगा, ठीक है, ताकि वो आयोडीन को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करे। ये पहाड़ी लोग में ज्यादा होता है क्योंकि पहाड़ी लोग तुम्हारा मतलब ये मतलब उसमें आयोडीन कम होता है, पहाड़ के सॉइल में तुम्हारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें आयोडीन कम होता है, इसलिए पहाड़ी लोग में तुम्हारा ये सिंपल गोइटर ज्यादा कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाओ, तो ये तुम्हारा सिंपल गोइटर उसकी वजह से होता है, ठीक है। दूसरा अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म चाइल्ड में हो गया तो इसको हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म चाइल्ड में हो गया तो इसको हम लोग कहते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं अगर चाइल्ड में मतलब चाइल्ड में, एज इन की मतलब अगर मम्मी प्रेग्नेंट है, समझो अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेग्नेंट फीमेल, तो इसका जो चाइल्ड होगा इसका शंटेड ग्रोथ होगा, मतलब ग्रोथ बिल्कुल कम होगा, ठीक है, और ये मेंटली रिटार्डेड भी होगा, इसका मेंटल रिटार्डेशन भी होगा, और इस फिनोमिना को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म, क्या कहते हैं, क्रेटिनिज्म, ठीक है। एक और बीमारी होता है इसको हम लोग कहते हैं गर्ल्स डिजीज, एकदम स्लो हो जाएगा आदमी, ऐसे फूला हुआ रहेगा, आंख निकला रहेगा, एकदम बिल्कुल ऐसे स्लो स्लो होता है, इसको हम कहते हैं मिक्सोडिमा या गर्ल्स डिजीज, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मिक्सोडिमा और गर्ल्स डिजीज, ठीक है।
तो अगला आ गया तुम्हारा मिक्सो डीमा और गर्ल्स डिजीज। ठीक है, बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है, बच्चा आँख निकला रहता है, पेल स्किन रहता है, इसको हम लोग गर्ल्स डिजीज या मिक्सोडिमा कहते हैं। ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है तुम्हारा एक्सोथैल्मिक गोइटर, या इसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आदमी जॉम्बी टाइप हो जाता है। जॉम्बी टाइप हो जाता है क्यों, क्योंकि मतलब एकदम मेटाबॉलिक रेट उसका बढ़ जाएगा, एकदम हाइपर एक्टिव रहेगा, उसको नींद नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, हार्ट पैलिपिटेशन बढ़ जाएगा, बाल उड़ जाएगा, पेल हो जाएगा, आंख ऐसे प्रोट्यूट कर जाएगा बाहर, और एकदम बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म उसका बढ़ा हुआ रहता है, तो इसको हम कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, तो चलो देखो क्या क्या बीमारी एनसीईआरटी माता कहती है। तो पहला क्या है कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं सिंपल गोइटर। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेस शंटेड ग्रोथ, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेटिनिज्म, हम पढ़ लिए, जिसको हम लोग कहते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है, या मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्क्रीन और डेफ म्यूटिज्म। ठीक है, ये सब कुछ तुम्हारा क्रेटिनिज्म का पार्ट आ गया। ठीक, तीसरा, इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म कॉजेस मेंस्ट्रुअल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इरेगुलर करता है। ठीक, दूसरा, अगर हाई सिक्रीशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसको हम एक्सोथैल्मिक गोइटर कहते हैं, जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें इनलार्जमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड होता है, जिसकी वजह से प्रोट्यूजन ऑफ आईबॉल हो जाता है, बेटा मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाता है, वेट लॉस हो जाता है, और इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं, इसको हम लोग ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं। ठीक है, ये मेरा ग्रेव डिजीज। हाँ जी, एक और रिलीज करता है हार्मोन, जिसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन, ऑल्सो प्लेज इन रेगुलेशन ऑफ टीसीटी। थायराइड ग्लैंड जो है मेरा, एक और हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं टीसीटी, थायरोकैल्सिटोन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे है थायराइड ग्लैंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, मैंने तुमको बताया था। ठीक है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, मतलब इरिथ्रोपोइसिस में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट कंट्रोल्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट, सब कुछ हो गया ना, आ गया। ठीक है, और मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो जनरली सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो मेरे बॉडी का है वो थायरॉयड ग्लैंड करता है, जनरली सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन जो मेरे बॉडी का है वो थायरॉयड ग्लैंड करता है, जितना भी म्यूटेशन है तुम्हारा वो थायरॉयड ग्लैंड करता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? बेटा डेफ म्यूटिज्म होता है तुम्हारा इनेबिलिटी टू स्पीक, और सुन नहीं पाते, बोल और सुन नहीं पाते, उसको डेफ म्यूटिज्म कहते हैं ना, बोल और सुन नहीं पाता, इनेबिलिटी टू स्पीक है ना, तो ये आता है। ठीक है, हाँ, थायराइड ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स अ प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सोटेनिन विथ रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है, इस पर क्वेश्चन आता है। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड क्या किया, इट ऑल्सो रेगुलेट द लेवल ऑफ थायरोकैल्सोटेनिन, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये क्या करता है, टीसीटी क्या करता है मेरा, टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन को इंक्रीज करता है। लिख लो, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स इंक्रीज करेगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन्स को इंक्रीज करता है, इसको लिख लेना। ठीक, चलिए, तो ये T3 है, ये T4 है, दोनों का मैंने फंक्शन बता दिया। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन तुम्हारा क्या हुआ कि तुम्हारा सिक्रीशन को इनिबिट करता है और तुम्हारे बोन्स में डिपोजिशन को बढ़ता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है, ये तुम्हारा थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, दूसरा आते हैं PTH, या इसको हम कहते हैं पैरा थायरॉयड ग्लैंड। PTH और पैरा थायरॉयड ग्लैंड मेरा क्या करता है, देखो PTH मेरा ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाएगा, इट विल वर्क एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन, इट विल वर्क एंटागोनिस्टिक टू थायरोकैल्सिटोनिन। तो चार पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है
वो डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। द पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन, सिक्रीट्स अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन, जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करेगा, मतलब ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, मतलब इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो मतलब ये डीमिनरलाइजेशन कर रहा है, मतलब बोन से एक्सेसिव कैल्शियम ये निकाल रहा है और उसको डीमिनरलाइज कर रहा है और ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, ठीक है। पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल, अगेन ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। कहीं कहीं से कैल्शियम लेके ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करेगा, ठीक है। इट इज अ हाइपर कैल्शियमिक, ऑब्वियसली ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज करे तो हाइपर कैल्शियमिक हॉर्मोन है। एलॉन्ग विथ टीसीटी इट प्लेज अ मेजर रोल इन कैल्शियम बैलेंस, ठीक है। तो टीसीटी कम करेगा, ये बढ़ाएगा, ठीक है। टीसीटी ब्लड कैल्शियम लेवल कम करेगा, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। हाँ जी, चलो अगला। तो ये तुम्हारा पैराथॉर्मोन हार्मोन हो गया, तुम्हारा क्या क्या काम करेगा ये लिख दिया है, ठीक है। चलिए अगला आते हैं, अगला आते हैं थाइमस। चल अगला आते हैं थाइमस। सर इफ थायरो कैल्सोटोनिन इज इंक्रीज देन व्हाट हैपेंस टू ब्लड कैल्शियम लेवल? बेटा अगर टीसीटी इंक्रीज हो गया, अगर टीसीटी ज्यादा है थायरो का, तो ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में दिक्कत होगा तुम्हारा, है ना, ब्लड क्लॉट कम करेगा, ठीक है। अगर थायरो कैल्सिटोनिन कम हो गया और पीटीएच इंक्रीज कर गया, तो ब्लड मेरा गाढ़ा हो जाएगा, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, है ना। चलो अगला आते हैं थाइमस, अगला आते हैं थाइमस। प्रिया अभी पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी कर लें, उसके बाद बात करेंगे, देखेंगे तुम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ भलाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा ना। टेस्ट होगा अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसमें तुम लोग कैसा परफॉर्म करोगे भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं, जब आउटपुट ही नहीं आएगा तो क्या फायदा मेहनत करने का। तो पहले अभी टेस्ट देंगे, उसके बाद बात करेंगे इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी का भयानक वाला टेस्ट होगा तुम लोग का। अगला आते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड तुम्हारा इधर दिल के पास, ठीक है, मेरे दिल के पास तुम रहते हो, है ना। तो थाइमस ग्लैंड तुम्हारा लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, विच बिहाइंड द ऑन द वेंट्रल टी लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन करता है, जो मेरा सीएमआई या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग बात किए थे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, और ये प्रमोट करता है एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन को, यानी बी लिम्फोसाइट्स में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। थाइमोसाइट जो ओल्ड लोग, जैसे 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 एज होते जाता है ये डिजेनरेट कर जाता है, तो बुढ़ापे में तुम्हारा इम्यूनिटी कम हो जाता है, इसको हम कहते हैं एट्रोपी या डेथ, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ था एम्स में, एट्रोपी कहाँ पे होता है, ठीक है। तो थाइमस इज डीजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स, रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा थाइमस ग्लैंड तुम्हारा कम हो जाता है। थाइमस ग्लैंड को बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। लोबुलर होता है, तो मतलब अपना अपना श्रद्धा है, अपना अपना इमेजिनेशन है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। वैसे कुछ लोग थायरॉयड ग्लैंड को भी बटरफ्लाई कहते हैं, स्थमस है तो ऐसे ऐसे निकला जाता है, बट अगेन बोले अपनी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। चलिए अगला आते हैं एड्रिनल ग्लैंड। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आता है। पिट्यूटरी बेटा एक्टोडर्मल, बताया ना, पिट्यूटरी तुम्हारा एक्टोडर्मल होगा। हाँ पिट्यूटरी एक्टोडर्मल होगा, अभी बताया ना बाबू। एट्रोपी डेथ है ना, हाइपर एट्रोपी या उसका डेथ हो जाता है, मतलब जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट करने लग जाते हैं। चलिए आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। चलो एड्रीनल ग्लैंड का दो रीजन है, बाहर वाला जो रीजन होता है ऐसे ट्रायंगुलर ग्लैंड होता है जो मेरा किडनी के ऊपर होता है, इसका बाहर वाला जो रीजन होता है इसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। ये बाहर वाला जो रीजन होता है इसको हम एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और अंदर वाला जो रीजन होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। अंदर वाला जो रीजन होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं। तो ये तुम्हारा अंदर वाला रीजन है, विच वुड लीड टू
फॉर्मेशन ऑफ एड्रीनल मेडुला, ठीक है। तो ये एड्रीनल कॉर्टेक्स है और ये एड्रीनल मेडुला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एड्रीनल ग्लैंड, तो एड्रीनल ग्लैंड द सेंट्रली लोकेटेड टिश्यू इज कॉल्ड एड्रीनल मेडुला, अंदर वाला, और बाहर वाला जो रीजन है उसको हम एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला के बीच में हाइपोसिक्रीशन और हाइपरसिक्रीशन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है उस पर हम बात करते हैं। क्या, हाँ, किडनी पे टोपा, ट्रायंगुलर टोपा अगर किडनी पे लगाओगे तो उसको कहते हैं एड्रीनल, ठीक है। अब कह रहा है अंडर प्रोडक्शन ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स, अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स कम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन से डिजीज, यहाँ पे होता है ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ, ये क्या होता है, इट इज ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ क्या, ग्लूको एंड कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि Na प्लस का रीएब्जॉर्प्शन कम होता है, Na प्लस का रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, यानी ब्राउन पिगमेंटेशन या ब्रोंज कलरेशन ऑफ स्किन हो जाता है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन Na प्लस का कम होता है, इस बीमारी को हम कहते हैं एडिशन डिजीज। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। अगर हाइपर सिक्रीशन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्या कहते हैं, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम में तुम्हारा पफी डेक एकदम बिल्कुल एक्यूमुलेशन हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो क्या होता है एक्यूमुलेशन, ऐसे मून लाइक फेस रहेगा, फुला फुला आदमी देखो कहते जाओ ऐसे बना हुआ रहता है, ठीक है। तो वो कुशिंग सिंड्रोम होता है, एकदम बस गोलू पोलू सा हो जाएगा, ठीक है, मून लाइक फेस हो जाएगा, गाल फुला रहेगा, पूरा रेड रेड हो जाएगा, इसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं जब हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया क्वेश्चन, चलिए। तो ये तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है, नीचे वाला एड्रिनल मेडुला वाला रीजन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, तुम्हारा ये दो रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, एड्रिनल मेडुला जो है दो हार्मोन रिलीज करेगा, एड्रिनल मेडुला जो है वो दो हार्मोन रिलीज करेगा, पहले को हम कहते हैं एड्रीनलिन, पहले को हम कहते हैं एड्रीनलिन और एपिनेफ्रिन, और दूसरे को हम कहते हैं नॉर एड्रीनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन है, दीज टू आर इमरजेंसी हार्मोन्स ऑफ माय बॉडी, मतलब ये इकलौता हार्मोन है जो जल्दी काम करेगा सब कुछ, है ना, फाइट और फ्लाइट के सिचुएशन में मेरा ये दो हार्मोन काम करता है, एंड दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैटेकोलामाइंस, ठीक है, एंड दीज आर रेगुलेटेड इन केस ऑफ स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड और ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जिसको हम फाइट फ्लाइट भी हार्मोन कहते हैं। दोनों के लिए एनर्जी चाहिए जो काम ये करता है। तो जैसे तुम्हारा क्या हो गया, प्यूपिल का डायलेशन कर देगा, तुम्हारे बॉडी में अचानक से ताकत आ जाएगा, जैसे मान लो तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, तुम्हारे पीछे कुत्ता भाग रहा है तो क्या होगा कि तुम ओरिजिनली ज्यादा तेज दौड़ोगे, क्योंकि तुम्हारा बॉडी उसी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज डन बाय तुम्हारा एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला क्या होता है, दीज बोथ द हार्मोन्स, इसमें दोनों बोथ द हार्मोन इंक्रीजेस द हार्ट बीट, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाता है, एंड दीज कैटाकोलामाइंस और ऑल्सो स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, एंड दे हेल्प स्टिमुलेट्स
द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। तो तुम्हारा जो मेड्यूलरी रीजन वाला जो हार्मोन है ये दोनों काम करता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें, अगर हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो इसको हम कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, मेरा जो है वो तीन लेयर में डिवाइडेड है। सबसे अंदर वाला है रेटिकुलरिस, बीच वाला है फेसिकुलेटा और बाहर वाला है ग्लोमेरुलेसा, ठीक है। ग्लोमेरुलेसा तीन लेयर में तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स डिवाइडेड होता है, ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रीट करता है हॉर्मोन्स लाइक कॉर्टिकॉइड्स। कौन कौन सा कॉर्टिकॉइड्स होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड, तीनों की हम बात करेंगे। द कॉर्टिकॉइड दैट आर इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या कॉर्टिसोल भी कहते हैं इसको, हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं, जो जितना इम्यूनो सप्रेशन किया उसमें होता है, इसको हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। ये क्या होता है? लाइपोलाइसिस को प्रिवेंट करता है ना, ग्लाइकोजन फॉर्मेशन को बढ़ाता है, इनटेक तुम्हारे बॉडी में ग्लाइकोजन का इंक्रीज कर देता है। तो ये लाइफ सेविंग हार्मोन का काम होता है जो मेरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करता है। इन माई बॉडी कॉर्टिसोल इज द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। कॉर्टिकॉइड दैट रेगुलेट द वाटर बैलेंस, हम लोग पढ़ते थे एल्डोस्टेरोन, जिसको हम लोग मिनरलो कॉर्टिकॉइड कहते थे, जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या एनए प्लस मेरा डीसीटी में इंक्रीज करता है, ठीक है। और तीसरा मेरा था सेक्स कॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड मेरा क्या करता था? सेक्स कॉर्टिकॉइड मेरा डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिलीज करता था, याद है डीएचईए भी कहते हैं उसको। तो ये डीएचईए मेरा क्या होता था? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट में हेल्प करता था। फेशियल हेयर हो गया तुम्हारा, बेयर्ड हो गया, मैस्कुलिन कर्वेचर आ गया, ये सब तुम्हारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स करता था। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या कर रहा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस, सब कुछ, ठीक है। एंड इनिबिट्स सेल्यूलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बहुत अच्छी बात है। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी, इसलिए इसको हम लाइफ सेविंग हार्मोन कहते हैं। तो सब कुछ करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, आरबीसी का प्रोडक्शन करा रहा है, ये सब कुछ तुम्हारा कॉर्टिसोल कर रहा है। दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्टिसोल का बहुत मेजर रोल प्ले करता है, ठीक। एल्डोस्टेरोन एक्ट्स ऑन रीनल ट्यूब्यूल, जो रीअब्सॉर्प्शन ऑफ एन ए प्लस पड़ता है, ये हम लोग किडनी में पढ़े हुए थे, ठीक है। दस एल्डोस्टेरोन हेल्प्स इन मेंटेनिंग आयोनिक बैलेंस ऑफ आर बॉडी, है ना, और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करता है। अगर मान लो सॉल्ट इनटेक तुम्हारे ब्लड में बढ़ जाएगा तो तुम्हारा बीपी इंक्रीज हो जाता है, अगर सॉल्ट इनटेक तुम्हारे ब्लड में कम होता है तो तुम्हारा बीपी डिक्रीज कर जाता है। तो ये एल्डोस्टेरोन का काम होता है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजन स्टेरॉइड्स या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन इट इज ऑल्सो सिक्रीटेड बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स, विच प्लेज अ मेजर रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। ये सारा का सारा काम ये करता है, ठीक। तो देखो भाई क्या क्या है? मेरा है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो मेरा जोना ग्लोमेरुलोसा से है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फेसिकुलाटा या और तुम्हारा एंड्रोजन जो है ये रेटिकुलरिस या डीएचई है, ठीक है। तीनों का फंक्शन तुम्हारा लिखा हुआ है। एड्रिनल मेडुला मेरा प्रोड्यूस किया एपिनेफ्रिन और नॉरेपिनेफ्रिन, बीमारी हमने देख लिया, एडिशन और कुशिंग, तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला खत्म, है ना। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला खत्म, ये दोनों इसको अच्छे से लिख लो, ये तुम्हारा पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए नीट प्लस टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल करना है, राइट। चलिए पैनक्रियाज पे आते हैं, चलो 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 थोड़ा जोश दो, पैनक्रियाज पे आते हैं। तो पैनक्रियाज मेरा कंपोजिट ग्लैंड है, या इसको हम हेटरोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। 99% एक्सोक्राइन होता है, 1% एंडोक्राइन होता है, राइट। 99% एक्सोक्राइन होता है और 1% एंडोक्राइन होता है, तो इसको हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, जिसमें चार तरह का सेल प्रोड्यूस होता है, अल्फा बीटा डेल्टा और तुम्हारा पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो जो एंडोक्राइन पार्ट है वो मेरा हो गया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट टू 1.2 आइलेट्स ऑफ लैंगर, ठीक है। 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू तुम्हारा रहता है, ठीक है। कौन कौन सा सेल है भाई? सेल है तुम्हारा ये कौन सा है? अल्फा बीटा
डेल्टा और एफसेल या पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो तुम्हारा अल्फा सेल तुम्हारा ये किया, ठीक है, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल भी तुम्हारा मेंटेन्स करता है, तो ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का इनहिबिट करेगा सिक्रीशन, ठीक है, और ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। अल्फा सेल तुम्हारा रिलीज करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल तुम्हारा रिलीज करता है, बीटा सेल तुम्हारा रिलीज करता है इंसुलिन, ठीक है, देख लो उल्टा दोनों काम करता है। अल्फा सेल तुम्हारा रिलीज करता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल तुम्हारा रिलीज करता है इंसुलिन। लिखो, देखो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आता है, यहां पे थोड़ा Type 1 डायबिटीज और Type 2 डायबिटीज में कंफ्यूजन आता है, अभी मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। देखो अल्फा सेल्स तुम्हारा रिलीज करता है ग्लूकागॉन, तो अगर मान लो ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकागॉन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करेगा मतलब क्या, ये तुम्हारा लिवर पे एक्ट करेगा और बोलेगा भाई कि क्या करो तुम मेरा ब्लड का शुगर लेवल को इंक्रीज करो, ठीक है। दूसरा होता है बीटा सेल्स, दूसरा होता है बीटा सेल्स, बीटा सेल रिलीज करता है तुम्हारा इंसुलिन, जो मेरा ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। बीटा सेल रिलीज करता है तुम्हारा इंसुलिन, जो मेरा ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो दोनों एंटागोनिस्टिक एक्ट करते हैं। अब सुन लो मेरी, क्या होता है कि अगर मान लो तुम्हारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, दो तरह का डायबिटीज मेलिटस होता है, एक को हम कहते हैं Type 1, ठीक है। Type 1 में क्या होता है कि मेरा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, Type 1 को हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये तुम्हारे अर्ली एज में हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, ये किस केस में होता है बाबू, ये तुम्हारे किस केस में हो रहा है, ये तुम्हारा जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस है, दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जहां पे तुम्हारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग या बीटा सेल्स पे मेरा डिजीज काम में, मतलब मेरा सेल्स अटैक कर देता है, तो इससे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, इट इज ऑटो इम्यून, याद रखना इट इज ऑटो इम्यून, इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। दूसरा होता है मेरा Type 2, Type 2 हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, Type 2 हो गया ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो मेरा हेरिडिटरी भी हो सकता है और जो मेरा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है, तो इसमें नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है कि हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हो गया, मान लो इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो गया जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो गया, तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, जहां पे मेरा ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, अगर ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। हाँ जी चल, सोनम कपूर का डिजीज, तुम लोग को इतना ज्यादा पता रहता है, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं क्या है भाई। हाँ, तो मेरा मेरा दो तरह का सेल्स है, एक अल्फा सेल्स है एक बीटा सेल्स है, तो दो टू मेन साइज ऑफ सेल्स आर इन आईलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कॉल्ड अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। हम लोग बाकी डेल्टा सेल्स और पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड देख लिए, जो इनहिबिट करेगा, ठीक है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकागॉन इज अ पेप्टाइड हॉर्मोन, ठीक है, दोनों ही वैसे पेप्टाइड है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों ही पेप्टाइड है, ठीक है। एंड इट एक्ट्स मेनली ऑन लिवर सेल्स या हिपेटोसाइट्स एंड इट स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस, रिजल्टिंग इन एन इंक्रीज ब्लड शुगर, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, तो इसको हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन कहेंगे, इसलिए हम हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो क्या होगा, सेलुलर अपटेक कम होगा, ये होगा वो होगा, तुम्हारा इस हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ठीक। इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन है जो सेल्युलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ा देगा, तो इट विल इंक्रीज सेल्युलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन को बढ़ा देगा, ठीक है, अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ये, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया कराएगा, जो हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन हो गया,
ठीक है। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया को हम कहते हैं डायबिटीज मेलिटस, दोनों टाइप हम आपको बता दिए हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, दोनों टाइप आपको बता दिया गया है, इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हाइपोग्लाइसीमिया की बात हमने कर दी है यहां पे, राइट। हाँ कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा है, तुम्हारा जो सारा डिजीज है इसको पीडीएफ पे तुम देख लेना, ठीक। चलो आगे आते हैं, टेस्टिस। टेस्टिस हमने पढ़ा है रिप्रोडक्शन में, चलो एक बार बस उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस में मेरा कौन सा था भाई, सर्टोली सेल्स थे और लेडिक सेल थे। सर्टोली सेल एबीपी रिलीज किया, लेडिक सेल मेरा एंड्रोजन रिलीज किया, ठीक है। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल, सेमिनिफेरस टिब्यूल स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, पढ़े हम लोग, हाउ यार थक गया आज। हाँ सेमिनिफेरस टिब्यूल तुम्हारा क्या करेगा भाई, स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, एंड स्ट्रोमल सेल और इंटरस्टिशियल टिश्यू तुम्हारा, ठीक है। लेडिक सेल तुम्हारा एंड्रोजन रिलीज करेगा, लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल तुम्हारा एंड्रोजन रिलीज करेगा, ठीक है, विच इज मेनली टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड्रोजन रेगुलेट क्या करता है भाई, डेवलपमेंट मैच्यूरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गेन लाइक एपिडाइडमिस वाइड डिफरेंस सेमिनल वेसिकल, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ फेशियल और एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस एटसेट्रा, ये सब तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। एंड इट प्लेज अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। एंड्रोजन एक्ट ऑन द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और लिबिडो बढ़ाता है, सेक्सुअल एक्साइटनेस बढ़ाता है या मेल सेक्सुअल बिहेवियर बढ़ाता है, ठीक है। और एनाबॉलिक इफेक्ट होता है इसका प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट पर, ठीक है। बेसिकली सारा कुछ हमने देख लिया, ठीक है। सर्टोली सेल्स तुम्हारा रिलीज करता है एबीपी, जो एक्यूमुलेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन कराएगा, जो स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, ठीक। हाँ जी राजेश्वर बेटा, पूरा रामायण खत्म, सीता कौन है, कॉर्टिसोल का फंक्शन बताए ना। हाँ? चलो अगला आते हैं ओवरी। ओवरी में तुम्हारा क्या क्या है भाई, ओवरी मेरा रिलीज करेगा कॉर्पस ल्यूटियम वाला पार्ट ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, और इधर वाला पार्ट इनहिबिन, ठीक है। तो भाई ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ईस्ट्रोजन तुम्हारा सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, तो ईस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है। आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम जनरेट होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, बट ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट में हेल्प करता है फीमेल के, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गेन्स का तुम्हारा सब कुछ जो है ये तुम्हारा फीमेल करता है, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल, अपियरेंस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये तुम्हारा हाई पिच वॉइस वगैरह सब कुछ करता है, एंड फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए तुम्हारा ये भी है। अच्छा यहाँ पे देखो, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट और मेमोरी एल्वियोलाई का डेवलपमेंट डिफरेंट चीज़ होता है। प्रोलैक्टिन तुम्हारा मेमोरी एल्वियोलाई का डेवलपमेंट करता है, जिससे तुम्हारा मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मेमोरी ग्लैंड का जो सेकेंडरी डेवलपमेंट आफ्टर प्यूबर्टी होता है, उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, उसका डेवलपमेंट तुम्हारा ईस्ट्रोजन करता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट ईस्ट्रोजन करता है, बट अगर स्पेसिफिकली मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट की बात करोगे तो प्रोलैक्टिन हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा एक ये वाला लाइन बहुत अजीब सा लाइन है, बट अगेन इस पे क्वेश्चन आया हुआ था, ये जो लाइन है ये बहुत अजीब सा लाइन है, अगर इस पे क्वेश्चन आया था कि प्रोजेस्टेरोन आल्सो एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी एल्वियोलाई एंड मिल्क सिक्रीशन। देखो ये तो मेजर काम ईस्ट्रोजन का होता है, बट अब क्या करोगे, एनसीईआरटी माता कहती है तो इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इडियोटिक लाइन, मतलब पता नहीं क्या है लॉजिक इसका, मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। तो ये चीज़ इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब एनसीईआरटी कहती है, ये इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, ठीक है। तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लो, ठीक है। इसका कोई लॉजिक ऐसा है नहीं, तो इसको आप याद कर लीजिए, और एनसीईआरटी कहती है तो मानना पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ा सेंसलेस सा लाइन है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो देखो हॉर्मोन्स कौन कौन सा हो गया भाई, हॉर्मोन्स मेरा ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन, रिलैक्सिन पता है क्या, रिलैक्सिन डायलेशन ऑफ प्यूबिक सिंफाइसिस करता था, ठीक है। इनहिबिन तुम्हारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता था, टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन और इनहिबिट, अगेन यहां पे इनहिबिन भी निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का काम करेगा, ठीक है। अब अलग अलग और हॉर्मोन्स होते हैं जो इसके काम आता है, हाँ जी चल। अगर अलग अलग हार्मोन्स कौन कौन सा हो गया भाई, तो
तो मेरा अगर मान लो कि बात कर रहे हैं हार्मोन्स, कौन कौन सा हार्मोन है यहाँ पे, मैं तुम्हारा बता देते हैं ठीक है। देखो अलग अलग हार्मोन्स है, कौन कौन सा हार्मोन है इसका पूरा सीक्वेंस मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। देखो कौन कौन सा हार्मोन्स हो गया जो अदर देन एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहला गैस्ट्रिन, तुम्हारा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन ग्लैंड के लिए हो गया ठीक है। GIP गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड, सिक्रीटिन हो गया, CCK हो गया, ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है ठीक है। ये मैंने डाइजेशन में भी आपका करा दिया है ठीक है। फिर इधर आ गया ह्यूमन कोरोना गोनाडोट्रोपिन, ये रिप्रोडक्शन में हो गया। इस्ट्रोजन प्रोजेस्टोन ह्यूमन कोरोनिक सोमाटोट्रोपिन, ये तीनों प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है, ये भी मैंने आपको करा दिया रिप्रोडक्शन में ठीक है। किडनी प्रोड्यूस करता है रेनिन, हमने बात की थी रेनिन की ठीक है। इरिथ्रोपोएटिन की बात की थी, इरिथ्रोपोएटिन RBC प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, इरिथ्रोपोएटिन RBC प्रोडक्शन इंक्रीज करता है। और कैल्सिट्रोल, अगेन ये कैल्सिट्रोल जो है इट इज़ एन एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये कैल्सिट्रोल भी तुम्हारा किडनी प्रोड्यूस करता है। हार्ट तुम्हारा ANP या ANF प्रोड्यूस करता है, और एडिपोज टिश्यू तुम्हारा लेप्टिन प्रोड्यूस करता है जो एपिटाइट को सप्रेस करता है। क्योंकि अगर तुम मोटे हो रहे हो, तो मोटे हो रहे हो तो ऑब्वियसली बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होगा कि तुम्हारा खाने को कम किया जाए, तो वो लेप्टिन तुम्हारा जो है वो एडिपोज टिश्यू प्रोड्यूस करता है, विच सप्रेसेस एपिटाइट एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ FSH एंड LH ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है। ये सारे के सारे हॉर्मोन्स है, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स है। एक बार NCERT पढ़ना है तो पढ़ लेना इसको, बट मैंने सारा कुछ मेजर कर दिया है, वो सारा कुछ मैंने लिख दिया है इसमें, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा तुमको ज़रूरत पड़ेगा ठीक है। गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, CCK, GIP वगैरह सब कुछ करा ही दिया है, तो एक बार चलो पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ ही लेते हैं एक बार NCERT क्या कहती है ठीक है। ANP हो गया हार्ट ठीक है, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल होगा जो राइट एट्रियम से निकलता है, ये तुम्हारा राइट एट्रियम से निकलता है, ये हमने किडनी में किया था। इरिथ्रोपोएटिन तुम्हारा किडनी, इरिथ्रोपोएटिन और कैल्सिट्रॉल तुम्हारा किडनी ठीक है। गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, CCK और गैस्ट्रो इनिबिटरी पेप्टाइड, इनिबिटरी पेप्टाइड तुम्हारा इनिबिट करेगा ठीक है। ये सारा सारा हो गया ठीक है। और ग्रोथ फैक्टर्स तुम्हारा बाकी सारा जो टिश्यू ग्रोथ फैक्टर्स होता है या प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर्स होता है जो इसका काम करता है, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे हॉर्मोन्स आप देख लीजिएगा, ये सारे हॉर्मोन्स के भी PDF आपको मिल जाएंगे ठीक है। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं, 15 मिनट अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, 15 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनो, जो हम लोग करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन ठीक है। सबसे पहले हार्मोन्स मेरे क्या तरह के होते हैं, दो तरह का हार्मोन्स की हम बात करते हैं। एक मेरा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन होता है, एक मेरा वाटर सॉल्युबल हार्मोन होता है। सबसे पहला जो हार्मोन है मेरा होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो अगर हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करें, ये अभी हम लोग पढ़ लेंगे कौन कौन सा टाइप का हार्मोन होता है किस तरह का। पहला बात होते हैं हम लोग लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। तो अगर हम लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जो है ऑब्वियसली वो मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर सकता है, वाटर सॉल्युबल वाला मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता। तो जो भी मेरा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, जो भी मेरा लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है वो क्या होता है कि वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस कर जाता है, एंड इट क्रॉसेस द न्यूक्लियस ऑल्सो, न्यूक्लियस में जाता है और ये न्यूक्लियस में बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये मेरे न्यूक्लियस में जाता है और क्या बनाता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करता है, मेरे जीनोम में चेंज करेगा, कहाँ चेंज करेगा, पूरे के पूरे जीनोम में चेंज होगा, जिससे मेरे RNA चेंज होगा, जिससे मेरा प्रोटीन चेंज होगा, जिससे मेरी बॉडी का फिजियोलॉजी डिफरेंशिएट होता है या मेरे बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज होता है। मतलब ये डायरेक्टली जा रहा है, तो ऑब्वियसली जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, ये सारे स्टेरॉयडल हार्मोन है, कौन कौन सा स्टेरॉयडल होता है अभी हम देख लेंगे ठीक। जो स्टेरॉयडल हार्मोन है इनका एक्शन स्लो होगा एंड लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा ठीक है। इनका एक्शन स्लो होगा और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होगा। सिंपल सा तरीका है, क्या क्या हो रहा है भाई फिर से देख लो एक बार, क्या हुआ, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डिफ्यूज किया, डिफ्यूज किया न्यूक्लियस में गया, न्यूक्लियस में गया बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या हुआ, DNA में चेंज किया, DNA में चेंज किया तो RNA में चेंज हुआ, RNA में चेंज हुआ तो प्रोटीन में चेंज हुआ, नया जो प्रोटीन बनेगा वो सेल के फिजियोलॉजी में चेंज करेगा, मतलब प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजियोलॉजी ऑफ माय बॉडी। तो ये जो नया चेंज आएगा वो मेरे इसका फिजियोलॉजी चेंज कर देगा और मेरा ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा ठीक है। तो इट विल चेंज द फिजियोलॉजी ठीक है, इट विल चेंज द फिजियोलॉजी, ये तुम्हारा आ जाता है ठीक। अगला होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता, वाटर सॉल्युबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस नहीं कर पाता। तो अगेन क्या होता है,
कि ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन के, ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है मेम्ब्रेन के, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्स शो करता है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। उसके बाद ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स थ्रू कैल्शियम आयन्स एंड साइक्लिक एएमपी, इस पे क्वेश्चन आता है, सेकेंडरी मैसेंजर मेरा कैल्शियम आयन्स और साइक्लिक एएमपी होता है, जिससे मेरा बायोकेमिकल चेंज होता है और जिससे मेरा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। तो अगेन ये कंपैरेटिवली क्विकर होगा, ये वाटर सॉल्यूबल है, ये मेरा वाटर सॉल्यूबल है जो मेरा प्रोटीनोइसेस होगा, सॉल्यूबल है जो मेरा प्रोटीनेशियस होगा, तो ये कंपैरेटिवली क्विकर होगा और इसका एक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा, इसका एक्शन शॉर्ट लिव्ड होगा। देखो बेसिक सा चीज ये समझो, ये क्या होगा, ये रिसेप्टर में बाइंड किया उसके बाद चेंजेस इंड्यूस किया, देखो ये तरीका होता है, क्या होता है, तो भाई तो ये बाइंड किया पहला हार्मोन रिसेप्टर साइट पे जो एडीनाइलेट साइक्लेज होता है, जो रिसेप्टर साइट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर पे बाइंड किया जो साइक्लिक एएमपी हो गया, जो एक्टिवेट करता है प्रोटीन काइनेज को, जिससे मेरा बायोकेमिकल चेंज होगा और जिससे मेरा प्रोटीन में चेंज होगा, और ड्यू टू दिस चेंज इन प्रोटीन मेरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। तो ये मेरा वाटर सॉल्यूबल हार्मोन्स का काम है, ये मेरा वाटर सॉल्यूबल्स का काम है, हाँ जी ठीक है। हाँ चलो अब देखो कौन कौन सा हार्मोन तुम्हारा वाटर सॉल्यूबल होता है और कौन कौन सा हार्मोन तुम्हारा फैट सॉल्यूबल या लिपिड सॉल्यूबल होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी माता देखिए क्या कह रही है, तो भाई हार्मोन्स प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर्स लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यूज ओनली, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल आर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स एंड दीज रिसेप्टर्स एंड दीज रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन साइड द टारगेट सेल कॉल्ड इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स, ठीक है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब रिसेप्टर के साथ हार्मोन बाइंड कर गया तो उसको हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हम लोग देख लिए, ठीक है। और ये बाइंड करता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीनेशियस हार्मोन, कौन कौन सा आ गया, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी के सारे हार्मोन और हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन पेप्टाइड्स में आ गया। स्टेरॉइड्स में तुम्हारा एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन आ जाएगा तुम्हारा, और ओवरी और टेस्टिस का हार्मोन आ जाएगा, ठीक। आयोडोथायरोन में तुम्हारा थायराइड हार्मोन आ जाएगा, और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में तुम्हारा एड्रिनल मेडुला का हार्मोन आ जाएगा। देख लो कौन कौन सा वाटर सॉल्यूबल होता है, तो स्टेरॉइड सॉल्यूबल में तुम्हारा आ गया कौन कौन सा, लिपिड सॉल्यूबल में आ गया स्टेरॉइड और थायराइड, ये दोनों लिपिड सॉल्यूबल में आ जाता है। तो थायराइड T3 और T4 कैल्सिट्रॉल, देखो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, कैल्सिट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये तुम्हारा T3 T4 और नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मेरा वेजोडाइलेशन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड मेरा वेजो डायलेशन करता है, ठीक है, ये वेजोडाइलेशन करता है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया तुम्हारा, ये तुम्हारा लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन का आ गया। ये सारा बाकी सारा वाटर सॉल्यूबल है, वाटर सॉल्यूबल में तुम्हारा अमाइन आ गया, प्रोटीन एंड पेप्टाइड्स आ गया, और तुम्हारा ये सारे हार्मोन्स आ गए तुम्हारा वाटर सॉल्यूबल। तो वाटर सॉल्यूबल और प्रोटीन सॉल्यूबल आपको याद रखना है, इसको बहुत डिटेल में मत पढ़ना, वाटर सॉल्यूबल वाले को बहुत डिटेल में मत पढ़ना, बस यहाँ पे समझ जाओ कि स्टेरॉइडल और आयोडीन ये दोनों जो है मेरा लिपिड होगा, ये दोनों मेरा लिपिड सॉल्यूबल होगा, और ये मेरा वाटर सॉल्यूबल होगा, ठीक है। तो ये दोनों मेरा लिपिड सॉल्यूबल होगा और ये मेरा वाटर सॉल्यूबल होगा, ठीक है। चल तो ये तुम्हारा मैकेनिज्म है, इसके पीडीएफ तुम डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो देखो तुम्हारा इसका तो वही आ गया, साइक्लिक एएमपी, IP3 एक्सेट्रा, ये तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर्स होता है, ये तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर्स होता है, साइक्लिक एएमपी वगैरह तुम्हारा सेकेंडरी मैसेंजर्स होता है, ठीक। हार्मोन दैट इंटरैक्ट विथ इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, अगर इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर से जो इंटरैक्ट कर रहा है वो स्टेरॉइडल और आयोडोथ हार्मोन हो गया,
ये तुम्हारा स्टेरॉइड लिपिड सॉल्यूबल हो गया, ये तुम्हारा वाटर सॉल्यूबल हो गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल रिजल्ट्स इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा तुमको कुछ भी पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज़ द एंड ऑफ टूडेज लेक्चर, तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। क्या करना है भाई, काम सुनो, अब काम क्या क्या सुनो, क्या करना है, unacademy.com एट द रेट आनंद सर 01 पे जाओ, यहाँ पे फटाक से मुझे फॉलो कर लो, यहाँ पे सबसे पहला काम करो मुझे फॉलो करो, ठीक है, ताकि तुमको मेरे जितने स्पेशल क्लासेस होते हैं, जितने स्पेशल क्लासेस होते हैं, ये स्पेशल क्लासेस तुमको मिल जाते हैं, ठीक है। ये फ्री होते हैं, ये सारे के सारे स्पेशल क्लासेस तुम्हारे फ्री होते हैं, तो यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है नीट प्लस, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, इसका भी PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए जिसका नाम है नीट प्लस, तो नीट प्लस सर्च करो टेलीग्राम पे और वहाँ पे जाके उसको ज्वाइन कर लो, ये मेरा चैनल है जिस पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक। बाकी क्या है भाई, अब देखो, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मैंने कंप्लीट करा दिया एज प्रॉमिस्ड, आगे बढ़ने के लिए आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को प्रपोगेट, पूरी प्लेलिस्ट जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की है इसको जितना फैला सकते हो पूरा फैलाओ, बहुत बच्चों का भला होगा, ठीक है, और इनफैक्ट आपका भला होगा, क्योंकि उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे तो मुझे ये सीरीज़ कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखो, स्पेशल क्लास वाला इसी वजह कारण से नहीं आ पाया कि रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं मिल पाया, तो इस बार आपको जिम्मेदारी उठानी होगी, ठीक है। तो आप लोग पूरे अच्छे तरीके से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़िए, इसका फ़ायदा उठाइए, और भी बच्चों को इसको शेयर कीजिए, उनको भी इसका फ़ायदा उठाने का मौका दीजिए, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे इस पर, आप बताएंगे कि फीडबैक आपका क्या, ऑनेस्ट फीडबैक दो, पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, है ना, उस नहीं आया तो भी आप लिखिए आपको पसंद नहीं आया, पसंद आया तो भी लिखिए क्या पसंद आया, अच्छा लग रहा है सीरीज़, इस तरह से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ फ़ायदा हो भी रहा है या मैं 2 घंटा ऐसे ही बकवास कर रहा हूँ, राइट। तो ये सारे काम आपको करने हैं, प्लस जो बच्चे नीट 2020 और नीट 2021 के लिए ज़्यादा सीरियस है बाबू, आपको कोई कोचिंग करना है, ज्वाइन करना है, तो आप हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म पे आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लो, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको लगभग 27,000 का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, 2 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको लगभग कितना हो गया, 35,000 का है, 35,000 पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, कितना हो गया पता नहीं देख लो, ठीक है, 35,000 पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा बाय यूजिंग द रेफरल कोड आनंद लाइव, तो जैसे ही आप आनंद लाइव रेफरल कोड यूज़ करोगे तो आप 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। देखो, 1 और 2 ईयर लेने का फायदा है, क्योंकि 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप किसी को आगे फॉरवर्ड कर दो ना, पैसा सस्ता पड़ेगा, 3 मंथ्स का महंगा पड़ता है, 6 महीने का और महंगा पड़ता है, तो किसी का और का भी भला हो जाएगा, ठीक है, तो 1 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो अगर तुम नीट 2020 भी दे रहे हो, ठीक है। तो चलो, आई विल सी यू इन क्लास टुमारो, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, और अच्छे से बेटा पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो, बहुत मेहनत लगा है ये वीडियोज़ बनाने में, सब कुछ बनाने में, लगातार 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस बहुत टफ हो जाता है, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगा है इन वीडियोज़ को बनाने में, तो आप उसका तभी रिजल्ट आएगा जब आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, ये मेरी एश्योरेंस है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन इनसे ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं NCERT के बाहर, खास करके ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो मैंने सारे के सारे कवर करा दिए, तो फटाक से आप अच्छे से इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए और भी इसको शेयर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँच पाए, ठीक है। चलो, आई विल सी यू इन क्लास गाइज, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।